नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शेप टूल के सभी ऑप्शंस के बारे में। हम शेप टूल के बारे में सीखेंगे और शेप टूल के जितने भी सब टूल्स हैं इन सभी के बारे में एक एक करके सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शेप टूल की, इसकी शेप टूल का आप यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक रेक्टेंगल लेना है और रेक्टेंगल को इस तरीके से क्रिएट कर लेना है। अब मान लीजिए आपको ये वाला जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर को आपको राउंड शेप में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर शेप टूल को सिलेक्ट करेंगे। शेप टूल को सिलेक्ट करने के बाद इस वाले कॉर्नर को एक बार क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद अब इस कॉर्नर को वापस से क्लिक करके रखिए और हल्का सा जैसे ही आप खींचेंगे अपनी तरफ तो ये देखेंगे आपका ये जो कॉर्नर है वो राउंड शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक साथ आपके जितने भी कॉर्नर्स हैं सारे के सारे एक बार में कर्व हो जाए तो क्या करना है, आपको इसमें से किसी भी एक पॉइंट को पकड़ करके आपको क्लिक करके रखना है और खींचना है। ये देखेंगे आपके जितने भी कॉर्नर हैं वो एक बार में एक साथ कर्व हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप शेप टूल का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप शेप टूल का और क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल और क्रिएट कर लेते हैं। रेक्टेंगल को क्रिएट करने के बाद अब अपने कीबोर्ड से प्रेस करिए कंट्रोल प्लस क्यू कन्वर्ट लाइन टू कर्व के लिए और अब आप दबाइए F10 यानी शेप टूल के लिए। F10 शेप टूल की शॉर्टकट की होती है। इसको लेने के बाद अगर मान लीजिए हमें यहाँ से इस लाइन को ब्रेक करना है तो यहाँ पर आकर के आप डबल क्लिक कर दीजिए। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने एक ब्लू डॉट आ जाएगा। इस ब्लू डॉट को पकड़ करके आप ऐसे खींचेंगे, यानी इस तरीके की शेप में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी एरिया को राउंड करना चाहते हैं यानी किसी लाइन्स को राउंड करना चाहते हैं तो भी आप शेप टूल की मदद से इसको कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर सिंपल एक सिंगल क्लिक करना है। सिंगल क्लिक करते ही आपके सामने एक ब्लैक डॉट आएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन होगा कन्वर्ट टू कर्व का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसको पकड़ करके जैसे आप ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये देखिए आपका जो शेप है वो राउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसा भी राउंड शेप आप देना चाहें आप शेप टूल की मदद से दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप शेप टूल का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने जो दूसरा इसका सब टूल है वो है स्मूथ टूल। स्मूथ टूल का यूज़ किया जाता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस वाले कॉर्नर को अगर आपको राउंड शेप देना है तो आप इसको क्लिक करके रखिए, ये अपने आप ही उसको राउंड कर देगा। ये देखिए अगर आपको थोड़ा सा राउंड करना है तो थोड़ा सा राउंड कर देगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने कुछ पॉइंट्स भी रिप्रेजेंट करेगा। इन पॉइंट्स को आप कंट्रोल क्यू F10 करके अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं कंट्रोल क्यू और यहाँ से ले लेते हैं F10 टूल। अब आप देखेंगे यहाँ पर 3 डॉट्स आ गए। इन 3 डॉट्स में से आप किसी भी डॉट को पकड़ करके कैसा भी एंगल कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप स्मीयर टूल की मदद से आप अपने शेप को कैसा भी एंगल बना सकते हैं, यानी कैसे भी एंगल में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। मान लीजिए ऐसा कोई लोगो है जिसको बनाने के लिए आपको पॉइंट्स की ज़रूरत है और यहाँ से आप इसको तोड़ना चाहते हैं तो सिंपली आप स्मूथ टूल की मदद से इसको कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद यहाँ से देखेंगे कॉर्नर्स में आपके पॉइंट जनरेट हो जाएगा। इस पॉइंट को उठा करके आप इधर से उधर मूव भी कर सकते हैं। मूव करने के बाद आप यहाँ से शेप टूल का यूज़ करके सिंपली इस पॉइंट को खींच करके जैसे भी एडजस्ट करना चाहें वैसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं स्मूथ टूल का। अब बात करते हैं स्मीयर टूल की। स्मीयर टूल बेसिकली यूज़ किया जाता है सेम इसी तरीके से, जैसे फिलहाल हम इस शेप को यहाँ से डिलीट कर देते हैं और एक फ्रेश रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करते हैं यानी क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद वापस से हम स्मीयर टूल सेलेक्ट करते हैं और स्मीयर टूल लेने के बाद आप इसको यहाँ पर क्लिक करके रखिए और नीचे की तरफ खींच के लाइए। ये देखिए इस तरीके से वो एक शेप में कन्वर्ट कर देना है, यानी आपके इस एंगल को परमानेंटली फिनिश करके अंदर की तरफ एब्जॉर्व कर रहा है। ये देखिए इस तरीके से आप स्मीयर टूल का यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी चीज़ को कंप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है स्मीयर टूल। के बाद हमारा टूल है ट्रिल। ट्रिल का यूज़ करने के लिए हम सिंपली एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं फ्रेशली फिर से और इस टूल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इस टूल को सिलेक्ट करने के बाद किसी भी कॉर्नर को पकड़ करके आप सिर्फ अपने माउस से क्लिक करके रखिए, ये क्या करेगा उसको राउंड शेप में कन्वर्ट कर देगा, यानी राउंड शेप में कन्वर्ट करके एक बेहतरीन सा इफेक्ट आपको दे देगा। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका किसी शेप को राउंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, किसी कॉर्नर को घुमाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद का जो हमारा टूल है वो है अट्रैक्ट एंड रिपल टूल। अब इसका यूज़ कैसे होता है, इस पर सिंपल क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप किसी भी एंगल को पकड़ करके इस तरीके से अंदर की तरफ मूव कर सकते हैं और आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स जनरेट हो जाएंगे। ये देखिए जैसे यहाँ पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे पॉइंट जनरेट हो गए। उसके बाद आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू और F10 का यूज़ करके आप इन पॉइंट्स की मदद से आप किसी भी एंगल को कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या काम करता है, ये किसी भी शेप को किसी भी एंगल में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही इजी और बहुत ही हेल्पफुल टूल है हमारा, जिसकी मदद से आप कोई लोगो वगैरह क्रिएट कर सकते हैं।
इसके बाद आप देखेंगे आपके सामने स्मग टूल है। स्मग टूल का यूज़ करने के लिए हम फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, एक फ्रेशली रेक्टेंगल लेना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि हम रेक्टेंगल पर ही सारे इफेक्ट यूज़ करके आपको दिखा रहे हैं कि तो सारे टूल जो हैं वो रेक्टेंगल पर यूज़ होंगे। इसको आप सर्कल पर भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रायंगल पर भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी शेप पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम वापस से इसी टूल को सिलेक्ट करते हैं, स्मग टूल को सिलेक्ट करते हैं। स्मग टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, स्मग टूल लेने के बाद क्लिक करके रखना और ऐसे खींचना है अंदर की तरफ। आप देखिए हमारा ये जो पार्ट था वो कट करके अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ से भी आप चाहें तो इसको शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी चाहें तो आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए। ये देखिए ये आपका जो शेप है वो इंक्रीज भी होगा इसी से, और चाहें तो आप डिक्रीज भी आप इसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई शेप है आपको जो इस तरीके से आपको क्रिएट करनी है तो आप इसकी मदद से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। यानी एक तरीके से आपके शेप को फैलाने के लिए और कंप्रेस करने के लिए दोनों ही तरीके से आपका ये टूल काम करता है। तो इस तरीके से आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम यूज़ करते हैं यहाँ पर रेक्टेंगल टूल, वापस से क्रिएट करते हैं। और इसके बाद का जो हमारा लास्ट टूल है हम उसको सिलेक्ट करते हैं। उसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ पर जो पॉइंट्स इसके दिखाई दे रहे हैं रेट्स, इसको हम कर लेते हैं लगभग 5 करने के बाद यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो एंगल है वो zigzag टाइप का क्रिएट हो चुका है। यानी कि बिजली का जो कनेक्शन होता है उसको अगर आप इस तरीके से उस तरीके का कोई इफेक्ट यहाँ पर देना चाहते हैं तो इस टूल की मदद से आप उसको यहाँ पर दे सकते हैं ईजिली। ये देखिए इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके का अगर कोई शेप आपको क्रिएट करना है तो इस टूल की मदद से आप ईजिली उसको कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे शेप टूल के सब टूल्स एंड शेप टूल का यूज़। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।